त्रिपुरा में एक हफ्ते से लगातार हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों में तोड़फोड़ मची है और वहां के मुसलमान खौफजदा हैं। मैं हिना हयात, तहकीक इंडिया न्यूज से। त्रिपुरा इस समय सुलग रहा है, तकरीबन 15 से ज्यादा मस्जिदों पर हमले किए गए और 13 मस्जिदें शहीद कर दी गई, 2 CPIM की ऑफिसें जला दी गई, लोग इधर उधर छिप रहे हैं, खौफ का माहौल तारी है। ऐसा खौफनाक माहौल होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौन पर हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और न ही किसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सताए जाने वाले नफरतों के शिकार मुसलमान हैं। यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश के दुर्गा पंडाल में जो घटना घटी थी और 4 लोगों की मौत हो गई थी, उसी का विरोध प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग तरीकों से हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में जो हो रहा है वो दहशत भरा है और ये उन लोगों के लिए सबक है जो लगातार संविधान पर कायम होने और उन पर चलने की माला जपते हैं। अगर ऐसा है तो फिर एक मुसलमान तबका को तरह तरह के बहाने से सताया और जेल में क्यों भरा जाता है? क्यों हर गलत कार्य का इल्जाम उनके मत्थे घड़ा जाता है? क्यों उनके धर्म स्थलों को मिसमार किया जाता है? त्रिपुरा पर जुल्म का तूफान जो छाया है, उसकी ढेरों तस्वीरें, CCTV क्लिप और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। आइए दिखाती हूँ उनमें से एक वीडियो जिसे देखकर इंसानियत रो पड़ेगी। मुल्ला गिरी नहीं चलेगा।